हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ दिसंबर 2023 का MHI 05 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका एग्ज़ाम आज ही हुआ था और आज आपकी डेट है 15th ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट इग्नू फर्स्ट ईयर से एमएचटी कर रहे हैं और आप सभी के पास MHI 05 था हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर में इस बार 2023 में दिसंबर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं MHI 05 में कहाँ कहाँ से और किस तरीके से क्वेश्चन आया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम है, 3 घंटे का समय आपको मिला और वही 100 मार्क्स का है, 2 सेक्शन है और आपको 10 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे बढ़ने से पहले, जल्दी जल्दी से चैनल को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ और अपडेट से आप मेरे साथ बने रहे। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आज के क्वेश्चन पेपर में आपके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन पेपर की तरफ। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप सभी देखोगे, एक्सप्लेन मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ मेडिएवल इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर है, यहाँ से आपके पहला क्वेश्चन यही देखने को मिलता है और इस बार मेडिएवल इंडियन इकोनॉमी के अप्रोचेस के बारे में पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ अर्ली हिस्टोरिकल अर्बनाइजेशन इन डेकेड। तो हमने आपको क्या करना है, डेकेड पार्ट में जितना भी जो भी शहरीकरण का प्रोसेस है उसको आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। जो मैंने आपको पहले भी जो हमने 2 मैराथन सीरीज चलाई है उसमें आशा करती हूँ कि वो हेल्पफुल रही होगी वीडियो और आप इनको कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थोड़ा सा मिसप्रिंट है बट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, राइट अ नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन इन अर्ली इंडिया। तो आपकी खेती की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और जानवर को पालतू जो बनाए गए थे अर्ली इंडिया में, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या समझ आ रहे हैं, मैंने आपसे पहले कहा था MHI 05 ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं से कुछ भी आ सकता है, नॉलेज होने वाली बात है क्योंकि फिर ये कहीं से कुछ भी ऐड ऑन कर देंगे, किसी को किस चैप्टर से भी मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीजेंट इन मेडिएवल एग्रेरियन सोसाइटी। तो मैंने अभी आपको मैराथन क्लास कराई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है पीजेंट यानी किसानों की कैटेगरी में, जिसमें मैंने आपको पाए कास्ट था, खुद खास था, मुजेरिन, शेयर क्रॉपर, एग्रीकल्चर लेबर, ये सारे टॉपिक्स अच्छे खासे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा होगा तो वो मैंने उसमें बहुत अच्छे खासे से डिस्कस किया था और आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। आशा करती हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम आज का बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन इस बार ईजी से आए थे अगर आप लोग पढ़कर गए होंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव देखोगे, शॉर्ट नोट है, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आपको देखो लैंड टैक्स के बारे में बताना है मुगल्स में, तो यहाँ पर मुगल्स के समय पे लैंड टैक्स कैसा था ये आपको बताना है। टैक्स सिस्टम से आया है तो ये तो इनकी चॉइस है कि वो किस तरीके से पूछेंगे, तो हमारे ऊपर भी नहीं है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से टैक्स सिस्टम के बारे में बताया था किसके समय पर कैसा टैक्स रहा। तो मुगल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके बाबर से लेके औरंगजेब तक के बीच में जिसने जो भी लैंड टैक्स लगाया है, कितना लगाया था, वो सब कुछ आपको इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर बी है इसका, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्ली मेडिएवल साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का मैंने आपसे पहले ही कहा था, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया का कम पूछते हैं और आपके साउथ इंडिया का ज़्यादा पूछते हैं, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पूछा गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ देखोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा था, क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन हरप्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, क्राफ्ट के बारे में बताना है। तो हिस्ट्री में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो हड़प्पा के बारे में ना लिख सके या जिसको इसके बारे में नॉलेज ना हो, है ना। कॉइनेज सिस्टम आपके हाथ में है कि कॉइनेज सिस्टम रेवेन्यू रिसोर्सेज गुप्ता के पीरियड में कैसा था, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसे कि हमने देखा ही है कि आपके MHI 5 में इंडियन इकोनॉमी में कॉइनेज सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ट्रेड आपका कैसा है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कुछ भी पढ़ो तो आपको क्या फोकस करना है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, इन सब की ये सब चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। कौन किस तरीके को, किसने कैसा कॉइन यूज़ किया था, किसने किस तरीके का आपके सारे कह सकते हैं टैक्सेशन सिस्टम कैसा था। तो हमने ये सारे ऑलरेडी जो हमारे बैच में था उसमें मैंने डिटेल में हमने ये सारा कुछ किया था। यूट्यूब पे तो चलो इतना डिस्कस हम नहीं कर पाए,
लेकिन पेड क्लासेस में हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में की थी, और बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आए और उनके एग्ज़ाम अच्छे गए, क्योंकि बहुत हेल्प भी मिली। आशा करती हूँ कि यूट्यूब के थ्रू भी आपको मिली हो, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं यूट्यूब के थ्रू भी आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोर्स वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, बट चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट्सएप के थ्रू आप 888-219-6980 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है जूर एग्ज़ाम के लिए इनरोलमेंट कराने के लिए, पेड क्लासेस लेने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग करवा सकते हैं। बढ़ते स्टूडेंट कुछ आपके सेक्शन बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा था एनालिस्ट द कॉन्टीन्यूटीज़ एंड चेंज इन इंडियन इकोनॉमी इन द 18th सेंचुरी। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है, आपको ये चैप्टर का जो नाम है इसी के नाम से ही आपको क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में इंडियन इकोनॉमी आपके 800 से 57 यानी रिवोल्ट ऑफ 57 जो हुआ था उसके दौरान के पूरे टाइम पीरियड में कैसी आपकी इंडियन इकोनॉमी रही। आपको जितने डायनेस्टी ने उस समय रूल किया था ना 1800 से लेके 1857, आपको ये सारा लिखना था इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम बात करें आपको मेन ट्रेंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 1850 से लेके 1947 जो अभी मैंने मैराथन क्लास चलाई थी तो उसके अंदर भी मैंने ये अच्छे खासे तरीके से आपके साथ डिस्कस किया था, और ये आपके चैप्टर के बेस पर है। तो 1850 से लेकर आपके पूरे इंडिपेंडेंस तक के टाइम पीरियड का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा रहा वो आपको यहाँ पर इस बारे क्वेश्चन में बताना था। क्वेश्चन नंबर 9 आपके 5 ईयर प्लान से है, तो फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान आपके इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ से रिलेटेड आपको एनालिसिस करना था। 5 ईयर प्लान आपके हर साल आता ही है, अब वो कैसे भी पूछ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मैक्सिमम ही हर बार आता है, यूनिट 34-35 है, इसको करके जाना। और यहाँ से देखो 10 मार्क्स का आया। क्वेश्चन नंबर बी देखोगे इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन कॉलोनियल पीरियड में, ये भी हमने आप पढ़ा था। और आपके कस्टमरी राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जब आपके ब्रिटिशर्स थे वो जो आए थे तो उन्होंने एक्ट लगा दिया था, और यहाँ पर क्या था कि अब फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू अब कोई भी ट्राइबल मेंबर हो या ट्राइबल ग्रुप हो बिना ब्रिटिशर्स के परमिशन के फॉरेस्ट का एक पत्ता भी नहीं ले सकता। अब उन्हें क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाने के लिए ब्रिटिशर्स को चाहिए थी वुड्स, लकड़ियाँ चाहिए थी, तो इसी वजह से उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लगाया था। वो सब कुछ इसमें बताना था। और नेविगेशन मेडिवल के समय पे कैसा रहा ये आपको एक्सप्लेन करना था। तो इनमें से आपको 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, ठीक है। और ये हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं आज का एग्ज़ाम कैसा क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना। और नया कोर्स को ज्वाइन करना है तो जल्दी से इनरोलमेंट करा लो, इनरोलमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारी कुछ बातें जो है डिटेल में करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर हम इतना डिटेल कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ सकते। तो जो भी स्टूडेंट जनवरी में यहाँ पर नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जून तक आपका ये पूरा सेशन रहेगा, ठीक है। जून में जिनका एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर 2024, तो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आशा करती हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, कोई डाउट या क्वेरी तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।